हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल से आने वाले नॉइस को कैसे दूर किया जाए वो बताया है। दोस्तों, आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे और आपका ब्लूटूथ से आने वाला नॉइस दूर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 टाइप के ब्लूटूथ सर्किट लिया हुआ है। ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसमें आप USB TF कार्ड और AUX इनपुट कर सकते हैं। और ये है बिल्कुल सिंपल सा ब्लूटूथ सर्किट। दोनों ही दोस्तों 5 वोल्ट पे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक स्पीकर, एम्पलीफायर सर्किट और एक बैटरी लिया हुआ है। अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को दोस्तों इससे कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं कनेक्ट। दोस्तों, इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल सा है। हम निगेटिव वायर को निगेटिव से और पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेंगे। अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के लेफ्ट राइट और ग्राउंड वायर को एम्पलीफायर के लेफ्ट राइट और ग्राउंड वायर से कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, हमने इसका कनेक्शन कर लिया है, अब हम इसे ऑन कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे नॉइस आना शुरू हो गया है। ये देखिए, स्पीकर से नॉइस आ रहा है। तो दोस्तों, इस नॉइस को कैसे दूर किया जाए, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। दोस्तों, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में आने वाली नॉइस का सबसे बड़ा रीजन है ये रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस 5 वोल्ट प्लस से सीरीज में जुड़ा हुआ है। अभी हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे और देखेंगे कि ये कितने ओम का है। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करता है ये कि ये आने वाली करंट को घटा देता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इससे पूरी पावर नहीं मिल पाती है और नॉइज आना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं। ये रहा मल्टीमीटर। दोस्तों, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने पे ये लगभग 10.7 ओम दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इस मॉड्यूल तक आने वाले वोल्टेज और इस कैपेसिटर के बीच का वोल्टेज डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर लगभग 3.7 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों, हमें कैपेसिटर पे 3.3 वोल्ट ही मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ही वोल्टेज को घटा दे रहा है। तो दोस्तों, हम एक वायर यहाँ से सोल्डर कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम 5 वोल्ट प्लस में कनेक्ट कर लेंगे इस वायर को, ताकि इसके बीच का रेजिस्टेंस दोस्तों 0 हो जाए। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। दोस्तों, हमने एक छोटा वायर ले लिया है और हम इसे कनेक्ट कर लेंगे कैपेसिटर के प्लस से। देखिए दोस्तों, इसमें नॉइज आना शुरू हो गया है। अब हम दोस्तों जैसे ही इस वायर को यहां कनेक्ट करते हैं, ये देखिए दोस्तों, नॉइज चला गया। दोस्तों, जैसे ही हटाते हैं नॉइज आना शुरू हो गया, और जैसे ही कनेक्ट करते हैं नॉइज गायब। जैसे ही हटाते हैं नॉइज आ गया। दोस्तों, हमने इस टाइप के ब्लूटूथ मॉड्यूल से आने वाली नॉइस को दूर कर लिया है। अब हम देखते हैं क्या ये तरीका इस टाइप के ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी काम करता है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। अब हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। दोस्तों, लगभग 11.1 ओम दिखा रहा है ये रेजिस्टेंस। अब हम इस
ब्लूटूथ मॉड्यूल को दोस्तों इस ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट से कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं कनेक्ट। दोस्तों हमने इस ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर के रेजिस्टेंस के दोनों सिरों को आपस में शॉर्ट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं क्या इसमें नॉइस आ रही या नहीं। Power on. Connected. दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही है, ये देखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।